नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार सॉफ्टकॉम एजुकेशन ग्रुप से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है ऑनलाइन मेडिकल डिग्री एंड इट्स इनवैलिडिटी। इनवैलिडिटी का मतलब होता है अवैधता। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर जरूरी सूचनाओं के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये विषय। इस विषय का टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑनलाइन मेडिकल डिग्री एंड इट्स इनवैलिडिटी। अब हम ये टॉपिक के बारे में जो बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड 9 मई 2023 को एक सर्कुलर आया था, जो सर्कुलर आप अगर एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे वो मेंशन है। सबसे पहले आप एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहां जाने के बाद एक नोटिफिकेशन का वहां पे एक ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक कीजिए। वहां पे 9 मई 2023 को लेकर वहां पे एक सर्कुलर लिखा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां पे जाने के बाद सर्कुलर का टाइटल है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इंटर्नशिप फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब हम ज्यादा समय ना गवाते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये सर्कुलर हमने रनिंग करा हुआ है। आप इस सर्कुलर के पेज नंबर 2 पे आइए। 2 पे जहां पे आपका ये टाइटल है वैलिडेशन ऑफ ऑनलाइन स्टडी बाय कमीशन, उसका 6 पॉइंट देखिए आप। द कमीशन हैज नॉट अप्रूव्ड और वैलिडेटेड द मेडिकल क्वालिफिकेशन बोथ theoretical and practical through online mode only. However, during the COVID-19 pandemic, online classes conducted by medical colleges or institutions in India were are valid to be supplemented by practical and clinical training as per current curriculum in all MBBS subjects in the colleges or institutions and affiliated hospitals. इसका सीधे शब्दों में ये अर्थ है, एनएमसी किसी भी ऑनलाइन मोड को वैलिड नहीं मानता, फिर चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल हो। अगला पॉइंट 7 नंबर, ऑनलाइन स्टडी ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन थ्योरी अलोंग विद प्रैक्टिकल इज नॉट वैलिड मोड ऑफ स्टडी। इसका ये अर्थ है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल इंक्लूड है और उसे ऑनलाइन के जरिए पढ़ा गया है, वो भी इनवैलिड माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान काफी सारे यूक्रेन के विद्यार्थी भारत वापस आ गए थे। काफी हद तक तो छात्रों ने ट्रांसफर ले लिया था किसी दूसरे देश में और वो आगे बढ़ गए थे। अब जिन विद्यार्थियों ने आगे की पढ़ाई ऑनलाइन करी है भारत से और ट्रांसफर नहीं लिया, उनके लिए वह साल जिसमें उनकी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हुई है उसका इस सर्कुलर के हिसाब से साल खराब हो गया है, अतः उन्हें उसी साल को दोबारा करना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सर्कुलर का मतलब समझ आ गया होगा। इसी तरीके के जरूरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अंत में आपकी अच्छी सेहत की कामना के साथ आपसे अलविदा लेते हैं।